नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्पर्श क्लास में। दोस्तों आज की ये वीडियो बहुत ही लेटेस्ट और अपडेटिंग वीडियोस है। आज हमारे CCS यूनिवर्सिटी चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ के BEd सेकेंड ईयर एग्जाम की डेटशीट आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, ऑथेंटिक और रियल न्यूज़ ये आपके सामने है। मुझे पता है आप सभी का 5 डेज चैलेंज का एग्ज़ाम जो है वो चल रहा है, तो जो मेंबर एग्ज़ाम दे रहे हैं वो एग्ज़ाम देते रहिएगा और एग्ज़ाम देने के बाद इस वीडियो को देख सकते हैं, और जो मेंबर एग्ज़ाम नहीं दे रहे वो मेंबर अभी इस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में ऑथेंटिक न्यूज़ आपको रियल में बताई जाएगी कि क्या डेटशीट है, कब आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं, आपके एग्ज़ाम टाइमिंग क्या रहेगी, पैटर्न क्या रहेगा, ऑब्जेक्टिव आएगा, सब्जेक्टिव आएगा, सारे डाउट्स आज क्लियर हो जाएंगे और वो भी बिल्कुल ऑथेंटिक प्रूफ के साथ। आप चाहें तो इस न्यूज़ को CCS यूनिवर्सिटी मेरठ की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जाकर देख सकते हैं। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में दे दिया जाएगा, वहाँ जाकर आप जो है देख सकते हैं। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरू करेंगे आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों आप देख सकते हैं आपके सामने स्क्रीन पर शो हो रहा है ये जो न्यूज़ है वो ऑथेंटिक है, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर डाला हुआ है, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ का। आप यहाँ पर देख सकते हैं 2 ईयर एग्जामिनेशन सिस्टम का सेकेंड ईयर का है यहाँ पर, ठीक है। ये जो डेटशीट आई है ये केवल और केवल सेकेंड ईयर के लिए है, फर्स्ट ईयर के लिए अभी कोई भी अपडेट नहीं आई है। तो फर्स्ट ईयर वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो टेंशन ना लें, 99% चांस है कि वो प्रमोट होंगे अभी तक के अकॉर्डिंग, ठीक है। सेकेंड ईयर के एग्जाम्स की जो डेटशीट है आ चुकी है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं नोटिस की जो डेट है वो 15 जून है, आज ही ये नोटिस आया है बिल्कुल, और लेटेस्ट सबसे पहले आपको जो है ये न्यूज़ दिए जाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर आप जो है इसको डेटशीट को देख सकते हैं, आपके सामने आपके सारे डाउट्स क्लियर किए जाएंगे कि पेपर कितने टाइमिंग का होगा, सब्जेक्टिव होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, क्या पैटर्न रहेगा, वो भी डाउट्स आपके क्लियर किए जाएंगे, इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 सितंबर से आपके जो है पेपर स्टार्ट होने वाले हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही बढ़िया और खुशखबरी है कि आपको बहुत अच्छा टाइम मिल गया है। अभी आपके पास जैसे मैंने 1 मंथ की स्ट्रेटजी बताई थी, और अब आपके पास जुलाई और अगस्त 2 मंथ तो पूरे पूरे हैं ही, और आपका जून भी हाफ मंथ उसका भी है, तो 2.5 मंथ आपके पास कंप्लीट है। ये आप सोच कर चल सकते हैं कि लगभग 75 डेज आपके पास हैं, तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है कि 75 डेज में तो आप कोर्स तो कंप्लीट कर ही सकते हैं, साथ ही में रिवीजन और बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि कोर्स कंप्लीट करने का 1 मंथ का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था। तो 1 सितंबर से आपका जो है स्टार्ट होने वाला है, सबसे पहला पेपर है क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव पेपर का, सेकंड पेपर है 3 सितंबर को, एक दिन की आपका इसमें गैप है, जो है जनरल स्कूल एंड सोसाइटी। उसके बाद आपका जो 2 डेज का गैप के साथ 6 सितंबर को आपका होगा नॉलेज लैंग्वेज एंड करिकुलम, 8 सितंबर को होगा आपका वर्क एजुकेशन का पेपर, और आपका 10 सितंबर को होगा असेसमेंट फॉर लर्निंग का पेपर। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा न्यू कोर्स ओल्ड कोर्स, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है, आप सब जानते हैं न्यू कोर्स जो लास्ट ईयर 2020 में अपडेट हुआ था, तो अगर कोई स्टूडेंट 2020 का है और 21 यानी कि अभी इस साल का है रेगुलर स्टूडेंट, या 2021 का बैक पेपर है, तो उनके लिए न्यू कोर्स आएगा, और अगर कोई 2020 से पहले का कोई मेंबर है जो बैक पेपर दे रहे हैं तो उनके लिए ओल्ड कोर्स पर ही पैटर्न आएगा, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा आप किस ईयर के हैं, अगर आप 2020 या उसके 2021 ईयर के हैं स्टूडेंट, तो अब आपका न्यू कोर्स के अकॉर्डिंग होगा जो अपडेटेड सिलेबस था, और अगर आप ओल्ड स्टूडेंट्स हैं, आपका बैक पेपर है 2020 से पहले यानी कि 2019 का हो या उससे पहले का हो कोई भी, तो आपके लिए ओल्ड कोर्स आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप जो है इस चीज़ को देख सकते हैं, और उसके बाद आपका एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, एनवायरमेंट हो, योगा हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, उसका आपका 13 सितंबर का है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लगभग हर एक पेपर में आपको एक दिन का गैप मिला है, बीच में संडे आ गया तो 2 दिन का गैप मिल गया, वरना आपका 1 दिन का गैप है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है टाइमिंग। यहाँ पर बिल्कुल साफ साफ शब्दों में लिखी हुई है कि जो आपकी टाइमिंग होगी वो 2 घंटे की रहेगी, तो 3 आवर्स का पेपर रहेगा, 2 आवर्स का पेपर रहेगा, जैसा कि लास्ट ईयर रहा था। लास्ट ईयर भी सेम पैटर्न रहा था कि आपका 3 आवर्स की बजाय टाइम घटाकर 2 आवर्स रख दिया गया था, और पेपर्स में जो क्वेश्चन थे वो भी कम कर दिए गए थे। तीसरा क्वेश्चन आपका है कि पेपर सब्जेक्टिव होगा ऑब्जेक्टिव। आप यहाँ पर देख सकते हैं साफ साफ क्लियरली लिखा हुआ है कि सभी विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों की परीक्षा की समय अवधि 2 घंटे रहेगी, यानी कि जितने भी ऐसी एग्जाम्स हैं जिसमें सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आने हैं वो आपके 2 घंटे के रहेंगे। आपके सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ही आएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं आएंगे। अगर आपको ये टेंशन थी अभी तक कि ऑब्जेक्टिव आएंगे कैसे होगा, ये टेंशन आपकी खत्म हो गई, आपका पेपर जो है सब्जेक्टिव ही आने वाला है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि
ज़्यादातर चांस सब्जेक्टिव के हैं, रेयर चांस है कि ऑब्जेक्टिव कर दे। लास्ट ईयर पैटर्न भी था तो वो भी सब्जेक्टिव पर ही आया था। तो आपका एग्ज़ाम पेपर जो है सब्जेक्टिव होने वाला है, 2 आवर्स का रहेगा और आपका डेट शीट जो है आपके सामने आ चुकी है। अब एक क्वेश्चन सबसे बड़ा बनता है कि पेपर का पैटर्न क्या रहेगा, कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने क्वेश्चन करने होंगे। तो देखिए इसके लिए यहाँ पर डेट शीट में तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि लास्ट ईयर भी सेम पैटर्न रहा था और 99% यही जो है चांसेस हैं कि लास्ट ईयर वाला पैटर्न ही आपका सेम रहेगा। तो लास्ट ईयर का जो पैटर्न था उसी को ही फॉलो कीजिए, उसी के अकॉर्डिंग ही तैयारी कीजिए। 2020 में जो पेपर आया था उसके अकॉर्डिंग कीजिए। जो 5 डेज चैलेंज था उसमें भी मैंने 2020 पैटर्न पर ही बेस्ड आपको क्वेश्चन पेपर दिया था, क्योंकि ज़्यादातर चांस इसी के थे, इसीलिए मैंने 2020 वाला पैटर्न ही दिया था। तो उसी के बेस पर ही आपका एग्ज़ाम आने वाला है। तो बहुत ही बढ़िया ये न्यूज़ है, एक तो आपको टाइम बहुत ज़्यादा मिल गया है, बहुत अच्छा मिल गया है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव की टेंशन खत्म हो गई है, अब आप मज़े से जो है तैयारी कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और आप अपने फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आने वाली वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।